नमस्कार, आप देख रहे हैं एनसीआर एक्सप्रेस न्यूज। हम हैं मौजूद बिलासपुर के एक नज़दीकी गांव है, अलौदा जागीर उसका नाम है। बिल्कुल बॉर्डर से सटा हुआ गांव है अलौदा जागीर, जो बुलंदशहर ज़िले में पड़ता है। यहां का थाना भी ककोड़ लगता है। यहां के लोग इस बात से परेशान हैं कि यहां विकास की कोई किरण पहुँच नहीं पाती, उसकी वजह है कि ये सीमा पर सटा हुआ गाँव है। हालांकि इससे आगे पड़ता है थोड़ी सी दूर और गांव चूहड़पुर, वो गौतम बुद्ध नगर में आता है और इस गांव को बिल्कुल अलग से छोड़ दिया गया है। एक तरीके से यहां देखो विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, प्रत्याशी भी जगह जगह संपर्क कर रहे हैं। आज यहां पर एक प्रत्याशी पहली बार वोट मांगने आ रहा है। यहां प्रत्याशी तक वोट मांगने नहीं आते क्योंकि बिल्कुल ये गौतम बुद्ध नगर से सटा हुआ गाँव है। तो हम बात करेंगे यहाँ के लोगों से, क्या क्या यहाँ की समस्याएँ हैं और क्या चाहते हैं वो, उनका प्रत्याशी कैसा हो। हमारे साथ यहीं गांव के रहने वाले एक युवा मौजूद हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रवेश शर्मा है, मैं इसी गांव का निवासी हूं। अच्छा, अलौदा जागीर गांव जो है बिल्कुल बिलासपुर से सटा हुआ गांव है, एक तरीके से गौतम बुद्ध नगर बॉर्डर से सटा हुआ गाँव है। तो यहाँ की मूलभूत समस्याएँ क्या हैं? एक तो पानी की समस्या है, एक तालाब है, चिकित्सा की समस्या है, बाकी यहाँ अभी हमारा स्कूल है, स्कूल की बाउंड्री वाले है वो टूटी हुई है, ना बच्चों के आने का जाने का रास्ता है स्कूल के लिए, वो भी बिल्कुल खंजर है। पिछली सरकार जो थी उसमें थोड़ा बहुत कार्य हुआ, इस सरकार में बिल्कुल 5 साल में हमारे गांव में कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ। हमारी विधायक जी ने, हमारे सांसद जी ने आज तक यहाँ 1 रुपये का कार्य नहीं कराया है इस गाँव में। अच्छा, कौन सी विधानसभा लगती है इसकी? हमारी सिकंदराबाद विधानसभा लगती है, सिकंदराबाद 64। अच्छा, जैसे ये बिल्कुल गौतम बुद्ध नगर से सटा हुआ गाँव है तो यहाँ के लोगों ने कभी मांग नहीं की कि इसे गौतम बुद्ध नगर में शामिल किया जाए, क्योंकि गौतम बुद्ध नगर एक हाईटेक ज़िला है, जो वहाँ से आप देख रहे हैं कि हर तरह की सुविधाएं वहाँ उपलब्ध हैं गाँव में, वहाँ स्मार्ट विलेज भी बनाए जा रहे हैं। तो गाँव के लोगों ने कभी मांग नहीं की यहाँ पर कि ये गौतम बुद्ध नगर में शामिल हो। कई बार विधायक महोदय को, कई बार सांसद महोदय को हमने पत्र भेजे हैं, उसके बाद वहाँ से कोई जवाब नहीं आता, पत्र खाली ऐसे डस्टबिन में चले जाते हैं। अच्छा, जिस तरह का चुनावी माहौल चल रहा है, अभी हमने लोगों से बातचीत की, हालांकि अभी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी यहां पहुंचने वाले हैं जनसंपर्क के लिए, लोगों ने ये बताया कि प्रत्याशी यहां जनसंपर्क तक करने नहीं पहुंचे अभी तक। अब पिछली सरकारों में जो था, ये पहले हमारे यहां राहुल यादव ही ऐसे प्रत्याशी, और पहली राहुल यादव ही इस गाँव में जो आ रहे हैं वो राहुल यादव ही आ रहे हैं। चुनावी डेट 10 तारीख है, हमारे यहाँ तक आज तक ना भाजपा का कोई प्रत्याशी आया है, ना बसपा का कोई प्रत्याशी आया है। आज पहले प्रत्याशी हैं जो गांव में समाजवादी पार्टी से राहुल यादव आ रहे हैं, बाकी प्रत्याशी भी दूरी बनाए हुए। अच्छा, गांव के लोग अपने आप को अछूता महसूस करते होंगे कि बॉर्डर पर होने की वजह से यहां का ना विकास हो रहा है, ना यहां जनसंपर्क करने तक प्रत्याशी पहुंच पा रहे हैं। जी बिल्कुल। क्या नाम है आपका? हरिदत्त शर्मा जी। शर्मा जी, हम यहाँ अलौदा गाँव में खड़े हैं जो बिल्कुल बॉर्डर गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर में एक बीच में गांव है बिल्कुल, तो यहाँ की क्या क्या बड़ी समस्याएं हैं? हमारे यहाँ जी ये समस्याएं, तो नाले खुदे हुए नहीं है, पानी तो हमारे यहाँ खेत भी मारी गई, फसल भी मारी गई है। यहाँ आज तक किसी का कोई बतेरी हमने कोशिश करी है, विधायक को सिर्फ कही, लेकिन हमारा नाला आज तक नहीं खुदा और खेत यूँ ही पड़े आज भी, वो हुए नहीं। गाय बाजार बहुत ज़्यादा हैं, अब किसान रात भर परेशान रहे हैं, वो गाय बाजार को उनको रोकथाम नहीं कहीं भी। अच्छा, कितनी आबादी होगी आपके गाँव की? हमारे गाँव की आबादी 1600 करीब है, वोटिंग है 1600 करीब। अच्छा, 5 के आपके जो जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं MLA MP, क्या ध्यान नहीं देते इन समस्याओं? नहीं जी, कोई ध्यान नहीं अभी तक, तो हमने खूब शिकायत कर ली। अच्छा, जिस तरीके का चुनावी माहौल चल रहा है, मैंने लोगों से यहाँ बात की, कोई जनसंपर्क करने तक नहीं आया अभी तक, ये बताया गया अभी वो पहले प्रत्याशी आ रहे हैं राहुल यादव। हाँ जी, पहले प्रत्याशी, मतलब इतने बड़े गांव में कोई वोट मांगने तक नहीं है, नहीं आए जी। आपका क्या नाम है? पुष्पेंद्र कुमार। पुष्पेंद्र जी, यहाँ ये जो गांव है बिल्कुल बिलासपुर से सटा हुआ गांव है, हम देखते हैं लोग बिलासपुर ही जाते हैं दवाई लेने, और भी समस्याएं हैं यहाँ की, तो क्या कहेंगे आप इन समस्याओं के बारे में? कोई चिकित्सा की व्यवस्था नहीं है, ना ही कोई जो ये रोड है हमारे यहाँ शमशान का, ये जो सरकपुर से वहाँ का रोड जोड़ता है वो भी नहीं बना हुआ है, कोई ऐसी वो नहीं है, शिक्षा के अभाव में सब खत्म पड़ा है। अच्छा, यहाँ पर सरकारी अस्पताल है क्या? कोई नहीं है, सरकारी अस्पताल कोई नहीं है। अच्छा, 2000 की आबादी है लगभग, तो जब भी यहाँ कोई दिक्कत हो जाती है तो बिलासपुर जाना पड़ता है? बिलासपुर जाना पड़ता है जी। बाकी स्कूल है, सरकारी स्कूल? सरकारी स्कूल है,
सरकारी स्कूल है गांव में, मगर उस तरह की शिक्षा वगैरह नहीं हो रही उसमें। अच्छा, जिस तरह का आप देखते हो, बिलासपुर जाते होगे, ग्रेटर नोएडा जाते होगे, वहाँ पर विकास है क्योंकि वो गौतम बुद्ध नगर में है, तो यहाँ पर कभी मांग नहीं हुई क्या इसे भी गौतम बुद्ध नगर में शामिल किया जाए? मांग हुई है सर, मगर कोई सुनता नहीं है नेता। वोट मांगने के लिए आते हैं, वोट मांगने के उसके बाद में एमएलए एमपी बन जाते हैं, कोई नहीं आता उसके बाद। अच्छा, जैसा चुनावी माहौल चल रहा है तो आप कैसे प्रत्याशी को पसंद करेंगे? अब देखो, अभी तक तो कोई आए नहीं है हमारे सामने, आज है हम यहाँ पर। अब देखो, पहले प्रत्याशी आ रहे हैं राहुल यादव जी, तो उनका समर्थन करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं प्रधानपति रहे हैं जवाहर जी। जवाहर जी, ये जो गांव है अलौदा जागीर गांव, ये बिल्कुल गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर की सीमा पर पड़ता सटा हुआ गांव है, जबकि इससे आगे एक और गांव चुहड़पुर पड़ता है और वो गौतम बुद्ध नगर में है। तो यहाँ के लोगों ने, या आप जनप्रतिनिधि रहे हैं यहाँ के, ऐसी कोई मांग नहीं की जिससे विकास हो सके? क्योंकि अभी हम यहाँ गांव में देख रहे हैं विकास की किरण यहाँ पहुँचने में कुछ देर लग रही है। विकास तो खैर नहीं है यहाँ पे, जो सरकार आती है उस विकास कहाँ करवाती है, वो पेट मोटे हो जाए बहुत, जो पैसा है जो ले चल जाए विदेश भेज दे तो पैसा नहीं, ये और क्या है इसमें। अच्छा, यहाँ के जो एमएलए एमपी बनते हैं, जो जनप्रतिनिधि होते हैं, क्या ध्यान नहीं देते बिल्कुल भी? पहले विधायक थे बिपला सोलंकी, बीजेपी की कैंडिडेट, यहाँ तो कोई विकास हुआ नहीं अभी तक। एक ईंट ना लगाई 10 साल में, 10 साल में कोई ईंट नहीं लगी जी, ये हुआ अब तक। एक छोटा सा खंजा बनाने को जाता है, वो पूरा ही नहीं हुआ अब तक, पूरा काम हुआ, पब्लिक परेशान है। अच्छा, कितनी आबादी है यहाँ पर, क्या नाम है आपका? दुष्यंत। दुष्यंत जी, आप का कहना है कि यहाँ विकास नहीं हो पा रहा है एक तरीके का, अब जैसा चुनावी माहौल चल रहा है लोग यहाँ वोट मांगने भी आते हैं, अपने समर्थन की बात करते हैं, आप क्या कहेंगे पहले के प्रतिनिधियों को, क्योंकि ये जो अलौदा जागीर है यहाँ विकास जो है उसकी किरण पहुँचती दिखाई दे नहीं रही है? जो विकास करेगा वोट उसे देंगे, वादा तो सब करते हैं विकास का, अभी तो कोई आया ही नहीं है। नहीं तो अब आज मेरे ख्याल से चुनाव में भी 2-3 दिन बाकी हैं, यहाँ 2 दिन है, प्रचार भी बंद हो जाएगा। एक सबसे बड़ी समस्या ये है, हमारे यहाँ शमशानन पे कोई मर भी जाएगा तो कोई ले जाने को रास्ता नहीं है। तो आपने मांग की उसकी जनप्रतिनिधियों से? 10 साल हो गई मांग करते करते। अच्छा, आप विधायक से मिले जो यहाँ विमला सोलंकी जी थी? यहाँ भी कही, उनके वहाँ भी गए तो अभी कुछ नहीं हुआ।